तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको जियो पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है विथ फुल केवाईसी के साथ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे जो है जियो पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जो है माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है और जो है जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके जो है अपना ओटीपी से जो है अपना नंबर को जो है वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको बैंक दिखेगा तो सिंपली बैंक वाले ऑप्शन पर जो है आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से अलाउ कर देना है। तो चलिए मैं जो है अलाउ कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर लेट स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है, आपको नो हाइडन चार्जेस है, कोई भी हाइडन चार्जेस नहीं है और एक वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना सिम को चूज कर लेना, कौन सा सिम से जो है अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं। उसके बाद जो है सिम को जो है यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो सिम को जो है वेरीफाई कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फेचिंग होगा डिटेल्स, तो आपको जो है फिर से जो है ओटीपी जाएगा, उसको जो है ओटीपी से वेरीफाई आपको कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। ओके, स्क्रॉल करके जो है सारा कुछ को एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है चार्जेस जो है जीरो है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना, तो आपको सारा टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है और आपको 3.5% इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा एनुअली। ओके, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको पैन कार्ड नंबर पूछेगा, तो सिंपल अपना पैन कार्ड नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पूछेगा, तो सिंपल अपना आधार कार्ड का नंबर देना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपको आधार से लिंक, उस पर ओटीपी जाएगा, तो सिंपली ओटीपी को यहाँ पे जो है वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है ओटीपी को वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, तो सारा कुछ जो है आधार से फैच हो जाएगा आपका पूरा डिटेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक ईमेल आईडी दे देना है, जो भी आप ईमेल आईडी जो है रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे जो है फिल कर देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सेम करना है। उसके बाद वर्चुअल स्टेटस दे देना है, आपको सिंगल है कि मैरिड है। उसके बाद अपना फादर नेम फिल कर देना है। तो चलिए मैं अपना जो है फादर नेम फिल कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम का लास्ट नेम दे देता हूँ। उसके बाद मदर का फर्स्ट नेम दे देता हूँ। ओके, सॉरी, यहाँ पे जो है लास्ट नेम पीछे जाएगा। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक्यूपेशन चूज करना, आप क्या करते हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिजनेस है तो बिजनेस चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एनुअल इनकम दे देना है, अपने हिसाब से जो है आप अपना एनुअल इनकम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी ऐड करना है, अगर चाहते हैं नॉमिनी ऐड करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए मैं अपना केस में जो है मैं नॉमिनी रखना चाहता हूँ मेरा ब्रदर को, तो मेरा ब्रदर का यहाँ पे नाम फिल कर देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ उसका। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ को जो है फिल कर देता हूँ, अदरवाइज आप इसको जो है स्किप भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अगर दोनों का एड्रेस सेम है नॉमिनी और इसका, तो सेम करना। उसको सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं जो है सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कॉल विथ ए एजेंट, आपको एक वीडियो केवाईसी करना है। वीडियो केवाईसी में आपको जो है ओरिजिनल आपका पास पैन कार्ड होना चाहिए और थोड़ा सा आपका नाम पूछेगा, आपको जो है पिन कोड पूछेगा, थोड़ा बहुत आपको पूछेगा। उसके बाद जो है आप अपना वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली कर लेना है आपको। उसके बाद आपको जो है 15 से 20 मिनट के अंदर जो है आपका जो है अकाउंट डिटेल्स जो है आपको जो है ईमेल आईडी पे आ जाएगा, या फिर आप जो है माई जियो एप्लीकेशन को जो है ओपन करके भी आप जो है सारा कुछ देख सकते हैं। तो चलिए मैं जो है यहाँ पे जो वीडियो केवाईसी को जो है पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस तरह से जो है माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, तो इस तरह से आपका सेविंग अकाउंट का डिटेल्स आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना अकाउंट को जो है ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है या कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।